टुडे वी विल डिस्कस क्लास 9 जो हमारी सेकंड बुक है मूवमेंट्स। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे हमारी सेकंड बुक को मूवमेंट्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। इट हैज बीन रिटन बाय मुल्कराज आनंद। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, इसके राइटर है मुल्कराज आनंद और ये हमारी सेकंड बुक मूवमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर है इन क्लास 9। देखो जैसे कि हमारे चैप्टर का टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड, तो यानी किसकी बात हो रही है, एक बच्चा जो लॉस्ट हो चुका है यानी कोई बच्चा जो खो चुका है उसकी स्टोरी है ये। तो इसकी चैप्टर की मैं आपको इसके बारे में बताने से पहले इसका थोड़ा समराइज करती हूँ इसकी स्टोरी। इसमें क्या होता है कि एक बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ, स्प्रिंग का सीजन होता है, स्प्रिंग का फेस्टिवल होता है, मेले लगे हुए होते हैं जैसे कार्निवल्स होते हैं इस टाइप के, तो फेयर लगा हुआ होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जाता है हर का, और फेयर में जाने के बाद वो कुछ टाइम को अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और आफ्टर सम टाइम वो अपने पेरेंट्स से मिसिंग हो जाता है, यानी उसके पेरेंट्स और वो एक दूसरे से लॉस्ट हो जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स को कहीं नहीं पाता, उसके बाद वो क्राइम करता है। फिर हमारे चैप्टर की ये स्टोरी है, तो हम इसमें देखते हैं कि कैसे क्या सीक्वेंस होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है किसे स्टार्ट होता है, स्प्रिंग के फेस्टिवल से स्टार्ट होता है, स्प्रिंग का सीजन होता है। एक चाइल्ड की इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बताया है कि चाइल्ड जो बच्चा होता है उसका माइंड किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में इस चैप्टर में किया गया है। तो एक जो बच्चा होता है कि उसके माइंड में जब वो सारी चीज़ों को चाहता है, क्योंकि मेले में क्या होता है, मेले में हर चीज़ हमें फैसिनेट करती है ना, हम मेले में जाते हैं, बच्चे होते हैं ऑब्वियसली हर चीज़ों की इज्जत करती है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो उस बच्चे को भी वो सारी चीज़ें फैसिनेट करती है, तो वो भी अपने पेरेंट्स से उन चीज़ों के लिए बहुत जिद करता है कि मुझे ये चाहिए। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब उसके पेरेंट्स उससे मिसिंग हो जाते हैं तो उसको किसी भी चीज़ की डिजायर नहीं थी। इस चैप्टर में हमें ये भी बताया कि एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके पेरेंट्स होते हैं। Wants to buy things, वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाता है, फेयर में जाता है। तो जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उसको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो बहुत सारी चीज़ें खरीदना चाहता है, जैसे कि सभी लोग होते हैं मेले में जाते हैं, सभी लोग अच्छे क्लीन कपड़े पहन के जाते हैं, सभी लोग बहुत सुंदर होते हैं, हैप्पी मूड में होते हैं, एंड फैसिज्म बहुत ज़्यादा होता है बच्चों में भी बड़ों में भी, तो इसी तरीके का एनवायरमेंट यहाँ पे था। ये लड़का बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में था, बहुत ग्रेट था, बहुत खुश था और इस तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ ये मेले में जाता है। जब मेले में जाते हैं रास्ते में तो इसको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ये खरीदना चाहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या दिखाई देता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये मेले में पहुँचते भी नहीं है उससे पहले की बात है, उसको टॉयज़ की शॉप दिखाई देती है, टॉयज़ की शॉप दिखाई देती है, वहाँ से वो टॉय खरीदना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए जो टॉय है वो खरीद के नहीं देंगे, इसलिए वो अपनी इच्छा को अपने मन में ही रखता है। लेकिन फिर भी वो बच्चा होता है ना, उसको लगता है कि मैं कहूँ अपने पेरेंट्स से, तो वो अपने फादर से बोलता है कि फादर मुझे टॉय चाहिए, लेकिन जो उसके फादर होते हैं उसकी तरफ एक ब्रेड आइस से देखते हैं, गुस्से से देखते हैं, तो वो समझ जाता है, मतलब हम अपने कई बार होता है ना कि हमें भी कुछ इसकी रिक्वायरमेंट होती है जब हम चाइल्ड हुड होते हैं, तो लेकिन बच्चे जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें ये दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, तो वो उसने जब अपने फादर की रेड आइस देखी तो बहुत गुस्से से देखा और उसको पता चले कि मेरे फादर मुझे टॉय नहीं दिलाएंगे। लेकिन तभी देन सडनली उसकी जो मदर होती है उसका जो ध्यान होता है टेंशन होता है उसको डाइवर्ट करती है, डाइवर्ट करती है, उसको क्या दिखाती है, देखो बेटा इधर ये मस्टर्ड्स हैं, ये जो मस्टर्ड के फ्लावर्स हैं उनको देखो, तो उधर को क्या दिखाती है, उसको मस्टर्ड फील्ड दिखाती है। मस्टर्ड फील्ड के अंदर क्या होती है, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज होती है, इंसेक्ट्स होते हैं, पीटर्स होती है ना, उन सब चीज़ों को वो दिखाती है उसकी मदर, उसको फैसिनेट करती है, दूसरी तरफ उसका ध्यान डाइवर्ट करती है और कहती है देखो बेटा इन चीज़ों को देखो, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। इस तरीके से वो आगे फुटपाथ पे चलते हैं, फिर वो लोग मेले में पहुंच जाते हैं। जब वो मेले में एंटर करते हैं तो उसको क्या देखता है, वहाँ पे देखता है वो एक फेयर स्वीट सेलर, वहाँ पे स्वीट सेलर देखता है यानी मिठाइयों की दुकान देखता है, जो मिठाई बेचने वाला होता है, वहाँ पे उसको बर्फी दिखाई देती है, तो उसको बर्फी बहुत पसंद होती है, वो बर्फी लेना चाहता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से नहीं कहता, वो क्या सोचता है कि मेरे फादर और मदर कहेंगे तो बहुत ग्रीडी हो है ना, तो इस वजह से ये सोच करके वो अपने पेरेंट्स से बर्फी की जिद नहीं करता, आगे बढ़ता रहता है। उसके पेरेंट्स भी थोड़ी दूर पहुँचते हैं, थोड़ी दूर पहुँचने के बाद वो क्या होता है कि फिर उसको नई नई चीज़ें दिखाई देती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स होकर भी कुछ चेयर भी होते हैं, उधर ही गार्डन सा होता है, उसके पेरेंट्स उसमें बैठ जाते हैं थोड़ी देर, उसके बाद वो क्या होता है अपने वहाँ पर जब जाके देखता है थोड़ी सी दूर और चलता है तो उसको चेकर्स दिखाई देते हैं, यानी जो स्नैक चार्मर का जो खेल दिखाते हैं स्नैक चार्मर्स वो दिखाई देते हैं, उसको मदारी वगैरह से इस टाइप से खेल दिखाई देते हैं। तो वो जो स्नैक की जो स्नैक जो चार्मर जो होता है वो जो बीन बजाता है अपने स्नैक का खेल दिखाने के लिए, तो वो उससे बहुत ज़्यादा फैसिनेट होता है, वो देखना चाहता है, लेकिन वो जैसे अपने पेरेंट्स से कहते हैं तो उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं, उसकी मदर उसके फादर उसको बोलते हैं कि नहीं ये आवाज़ जो होती है ना, ये जो साउंड होता है ना बीन का, ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रे
प्रेजेंट होता है कि ये हमारे देखने का नहीं है, चलो आगे बढ़ो। और इस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, उसके पेरेंट्स उसको आवाज लगाते हैं, वो पीछे भी देखने लग जाता है चीज़ों को। उसके पेरेंट्स उसको आवाज लगाते हैं, बेटा कम हियर, तो फिर वो कहते हैं वो अपने फादर के साथ मदर के साथ चलता है। उसके बाद जब यहाँ तक वो अपने फादर मदर के साथ ही था, उसके बाद वो देखता है कुछ आगे और चलते हैं, वो बैलून्स फ्लावर्स देखता है, तो वो बैलून्स देख के भी सोचता है कि मुझे ये लेना है। वो अपने फादर मदर से कहने की सोचता है, लेकिन फिर वो अपनी इच्छा को अपने मन में रखता है। क्या सोचता है कि मेरे फादर के लिए बैलून्स इतनी चीप चीज़ है, ये तुम्हारे लेने की है, तो इस वजह से वो बैलून्स नहीं लेने नहीं कह पाता। उसके बाद वो थोड़ी दूर और आगे चलते हैं, तो यहाँ तक वो पेरेंट्स उसके साथ ही थे। फिर वो राउंड बोर्ड देखता है, स्विंग झूला देखता है, स्विंग पूरा गोल गोल वाला सबसे बड़ा वाला झूला वो देखता है। उसको देख के तो उसे बिल्कुल नहीं रहा जाता, वो सोचते हैं कि अब तो मुझे अपने पेरेंट्स से कहना ही है कि मुझे राउंड बोर्ड पे स्विंग करनी है। तो उसके बाद वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि पापा मुझे झूला झूलना है। वो जैसे ही बात कहने के लिए अपने पेरेंट्स को कहता है, तो देखता है उसके पेरेंट्स तो थे ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो उन चीज़ों को देख के पैसे नहीं ढूंढ रहा था, तो वो पीछे छूट रहा था उनसे। जब वो ऐसे टर्न करके बोलता है कि मुझे स्विंग करनी है, मुझे राउंड बोर्ड झूले पे झूलना है, जब वो ऐसे करता है तो देखता है तो उसके फादर मदर तो वहाँ पे अपीयर ही नहीं होते हैं। तो वो ये देख करके वो जोर जोर से क्राई करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। और वो क्या देखता है, और वो देखता है उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं है। तो तभी एक काइंड पर्सन वहाँ पे आता है, काइंड हार्टेड पर्सन, वो उसको देख के उसको गोद में उठाता है और कहता है, बेटा व्हाई आर यू क्राइंग? तो वो बोलता है, आई वॉन्ट टू माई फादर, आई वॉन्ट टू माई मदर, आई वॉन्ट टू माई पेरेंट्स। वो ऐसे कहते हैं मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। वो उसको कहाँ पे लेके जाता है, स्वीट सैलर के पास लेके जाता है, बेटा मिठाई खा लो, बट वो नहीं खाता। उसको बैलून्स वाले के पास लेके जाता है, फ्लावर्स वाले के पास लेके जाता है, वो भी चीज़ें नहीं लेते। स्नैक चार्मी के पास लेके जाता है, वो अपने दोनों जो कान है ना उनको बंद कर लेता है, कहता है मुझे नहीं सुनना, मुझे ये साउंड नहीं सुनना। उसके बाद वो उसको वहाँ पर भी लेके जाता है टॉय की शॉप में भी, लेकिन वो टॉय भी नहीं लेता है। मतलब उसको कुछ भी नहीं चाहिए, जिन चीज़ों की उसको पहले रिक्वायरमेंट थी उनको वो नहीं चाहिए। देखो वो चाहता तो ले नहीं सकता था, जिन चीज़ों की उसको रिक्वायरमेंट थी उसको वो चीज़ें मिल रही थी, लेकिन फिर भी उसको केवल उसके फादर मदर ही चाहिए थे, अब उसको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो यहाँ पे हमारी ये चैप्टर की स्टोरी एंड हो जाती है। वो बस उस बच्चे को लेता है, उसे पूछता है, उसको सारी चीज़ें दिखाता है। हमारे इस चैप्टर में लास्ट तक भी हमें ये नहीं बताया गया है कि उस बच्चे को उसके फादर मदर मिलते हैं या नहीं। हम एज्यूम कर सकते हैं कि शायद वो जो पर्सन था जो उस बच्चे को जिसने उठाया था गोद में, हो सकता है वो उसके फादर मदर तक उसको पहुँचा दे। क्योंकि मेलों में भी क्या होता है कि एक अलग से स्टॉल्स होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो भी मिसिंग लोग होते हैं वहाँ पे अनाउंसमेंट के थ्रू वहाँ पे सब लोग गैदर होते हैं, तो खोए में जो भी होते हैं, तो वहाँ पे उस तरीके से ट्राई करके उस बच्चे को हो सकता है उसके पेरेंट्स से मिला दें। ठीक है, यहाँ पे हमारे चैप्टर की स्टोरी एंड हो जाती है। इसके कुछ क्वेश्चन हैं।